हेलो फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि देखो यार, आज से थोड़े से सिंपल ब्लॉग्स आएंगे। मैं कोई भी कंटेंट वगैरह नहीं बना रहा हूँ, किसी भी कंटेंट के ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ अपना डेली का लाइफस्टाइल दिखाऊंगा कि मैं कितने बजे उठ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पहन रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किन लोगों से मिल रहा हूँ। सो वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करके एक छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग बना के आप लोगों के लिए रोज लेकर आया करूंगा। तो मैं ये पहले ही बता देता हूँ कि कहीं यार आप लोग सोचो कि मैं कोई कंटेंट पे काम कर रहा हूँ, तो मैं अभी इस टाइम पे कोई भी कंटेंट पे काम नहीं कर रहा। थोड़े दिनों तक जस्ट अपना एक डेली लाइफस्टाइल वाले ब्लॉग्स ही लेकर आऊंगा, जिसके अंदर मैं अपनी पूरी डेली की लाइफ आप लोगों के साथ छोटे छोटे ब्लॉग्स बना के शेयर किया करूंगा। सो मैं ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही बोल देता हूं कि भैया जो लोग इंटरेस्टेड हैं मेरे डेली लाइफस्टाइल को देखने के लिए, वो लोग मेरे चैनल पे रहें, जो लोग नहीं है वो मे बी चैनल को अनसब्सक्राइब कर दे और अपना टाइम ना वेस्ट करें और गंदे गंदे कमेंट्स ना करें, वो चैनल को क्विट करें और जाके उनको जिनके चैनल्स पसंद है वो जाके उनके चैनल देखें, उनको प्यार दें। मुझे ऐसे लोगों की सपोर्ट नहीं चाहिए, मैं जस्ट अपना लाइफस्टाइल ही दिखाऊंगा और मैं जैसा हूं, जो करता हूं, वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा आप लोगों के साथ। मुझे जो पसंद है, मैं जो खा रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं, जो मेरी सोच है, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने भाई के साथ जुड़े रहो, सपोर्ट करो, प्यार करो। अगर नहीं अच्छा लगे बट यहाँ पर बेकार गंदे गंदे कमेंट्स करके अपना टाइम मत वेस्ट करो यार। अपनी जुबान क्यों खराब कर रहे हो, अपनी सोच क्यों खराब कर रहे हो? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी लास्ट कुछ वीडियोस पे गंदे कमेंट हर वीडियो पे करते हुए आ रहे हैं। तो मैं कमेंट तो पढ़ता हूँ बट मैं उन लोगों को रिप्लाई नहीं करता हूँ और मैं ना ही रिप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरा किया मेरे साथ, आपका किया आपके साथ। सेकेंडली मैं ये भी बोल देता हूँ कि जो भाई मेरे को हर वीडियो में प्यार दे रहे हैं ना, उन सबके मैंने नाम नोट करके अपनी कॉपी के अंदर रखे हुए हैं और मेरी कोशिश रहती है कि उन सारे भाइयों को मैं रिप्लाई भी करूं। यूट्यूब पे भी रिप्लाई करता हूं और इंस्टाग्राम पे भी रिप्लाई करता हूं। तो जो लोग प्यार देते हैं ना, उनको मैं अपने साथ जोड़ के रखना चाहता हूं। इसी मोटिवेशन के साथ हम अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट्सअप गाइस, की हालचाल, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और टाइम हो रहा है इस टाइम पे 3:13। व्लॉग इतना लेट इस करके स्टार्ट होता है क्योंकि हम रात को एडिटिंग करके थोड़ा सा लेट सोते हैं, लूडो शूडो खेलने बैठ जाते हैं और उसके बाद जब मैं सुबह उठता हूँ ना तो ऑलमोस्ट 11-12 बज रहे होते हैं और नींद खुलती नहीं है 11-12 बजे से पहले पहले। आज मेरा ना रोटी खाने का मन नहीं था, सो इस चक्कर से ना मैंने अपने लिए ना ये एप्पल और कुकम्बर वगैरह काट लिया है और साथ में ना घर पे चावल बने हुए थे तो मैंने चावल ले लिए। मैंने कहा यार चलो यही खा लेता हूँ क्योंकि आज मेरा ना रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और ये बेसिकली मेरा इस टाइम पे आप कह सकते हो कि ये मेरा लंच है, ब्रंच है, कुछ भी कह लो, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। इसी चक्कर से कि मैं फटाफट तैयार हो जाऊँ और व्लॉग को स्टार्ट कर लूँ क्योंकि आज बहुत ज़्यादा वाली देर हो चुकी है ना, सो इस चक्कर से। हाँ जी, तो मैं ज़रा बस घर के पास ही जा रहा हूँ, मेरे अपनी मासी के घर पर जाना है। घर के पास ही रहती है मेरी मासी भी, तो उनको थोड़ा सा ना सामान दे के आना है। तो मैंने सोचा क्यों ना यार मैं अपनी बाइक को ही चला लेते हैं, बाइक पर चलते हैं, छोटा सा राउंड भी मारेंगे इसी बहाने, क्योंकि बाइक मैंने ना बहुत दिनों से चलाई नहीं है। अब आपको पता ही है कि जब बाइक हम इतने दिनों से नहीं चलाएंगे तो फिर खड़ी खड़ी बैटरी डाउन हो जाएगी या कुछ ना कुछ हो ही जाता, प्रॉब्लम आ ही जाती है। वैसे तो यार सबको पता ही है कि यार हफ्ते में एक आधी बारी अपनी गाड़ी को ना स्टार्ट कर ही लेना चाहिए सो देट की प्रॉब्लम्स ना आए। और मेरी मासी यहीं पर ही पास नहीं रहती है तो उनके घर ही जा रहा हूँ जस्ट छोटा सा सामान देने। वैसे मैं उनके घर के अंदर नहीं जाऊँगा, बस बार बार से सामान देकर वापस आ जाऊँगा। बट ये था कि मेरा मन था कि मैं बाइक पर चलता हूँ और छोटा सा मोटो ब्लॉग कर लेंगे। आई नहीं, ओहो हो, मासी का घर पीछे निकल गया मज़े मज़े में। फिर मैंने सामान दे दिया है और वो अंदर लेके जा चुके हैं। कैमरे पे नहीं दिखाया मैंने, अच्छा नहीं लगता ना इसलिए। बाकी चलते हैं अब आगे, एक जगह और जाना है मेरे को, बस वहाँ से कुछ सामान लेना है, फिर उसके बाद हम अपना घर सीधा वापस चले जाएंगे और इसी बहाने इसका छोटा सा राउंड भी हो जाएगा। तब मैंने बाइक ली थी ना तब तो मैं सोच रहा था कि यार चलो अब संडे राइड्स किया करेंगे, बट जब से बाइक ली है ना तब से संडे राइड हमारी एक भी नहीं हुई। तो कोई नहीं, आज संडे ही है तो हम इसी में खुश हो जाएंगे। क्यों जी, क्यों जी? पेट्रोल भरवा लेता हूँ यार क्योंकि ना पेट्रोल बिल्कुल ही ख़त्म है, सिर्फ 2 पॉइंट ही हैं। वैसे जब भी इसको घर से निकालता हूँ ना पेट्रोल भरवाना ही पड़ता है। भाई साहब कितना पीते हो आप, कितना पीते हो? जब घर से निकालो पेट्रोल भरवाना पड़ता है। बट एक चीज़ ये भी है कि मैं ना अभी सिर्फ 500 रुपये का पेट्रोल ही डलवा रहा हूँ, अभी मैंने टैंक फुल करवाया नहीं है क्योंकि कहीं जाना तो है नहीं है। थोड़ा सा पेट्रोल डलवा लेते हैं, छोटा मोटा राउंड मार लेते हैं, फिर रख देते हैं, फिर थोड़ा सा पेट्रोल डलवा लेते हैं, राउंड मार देते हैं, घर रख देते हैं, क्या करें, अभी कहीं जाना तो है नहीं है इस चक्कर से। हाँ जी, एक्स्ट्रा प्रीमियम वाला डालना 500 रुपये का। कितने रुपये लीटर है इस टाइम पर एक्स्ट्रा प्रीमियम? 100 रुपये लीटर हो गया। और जो दूसरा रेगुलर वाला है 95। भाई कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, मारो मारो हमें, मारो ऐसे ही मारो। 100 रुपये लीटर पेट्रोल, मतलब 5 लीटर पेट्रोल आएगा सिर्फ इसके अंदर। बहुत गरीब मारी है, कैसे ऐसा कैसे चलेगा?
कलवाएंगे लोग। सरकार ने पूरे कपड़े उतार दिए हमारे, अभी और पता नहीं कितने उतारेगी। हाँ, काम धंधे वैसे ही नहीं है और ऊपर से सरकार अलग से लूट रही है भाई। प्लीज सरकार ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, गरीबों का ख्याल रखो। क्यों लूट रहे हो इतना ज्यादा आप? मेरी जो गाड़ी है ना वो डीजल बेस्ड है और मुझे मेरी गाड़ी इस टाइम पे ना इस बाइक से सस्ती पड़ती है। अगर मैं नॉर्मल पेट्रोल डलवाता हूँ ना तो नॉर्मल पेट्रोल है इस टाइम पे 95 रुपीज़ का और प्रीमियम वाला डलवाया मैंने 99 रुपीज़ का, बट जो डीजल है ना डीजल है इस टाइम पे 85 रुपीज़ का। और मेरी गाड़ी जो एवरेज दे रही है ना इस टाइम पे वो दे रही है सिटी के अंदर 20 की और हाईवे पे दे रही है 24 की। और ये जो बाइक है ना ये बाइक एवरेज देती है एक अप्रॉक्सीमेटली 15 की। तो मतलब मेरे को ना वो बहुत सस्ती पड़ रही है गाड़ी विद एसी। ये भाई साहब महंगी पड़ती है, बट ये शौक है ना, महंगे शौक है। अब शौक पाले हुए हैं, हाथी पाला हुआ है तो इसको झेलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि शौक की कोई कीमत नहीं है। अरे भाई क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया भाई, ऐसा क्या हो गया? हाँ जी, काम हो गया मेरा यहाँ पे, अब हम चलते हैं घर की तरफ। बड़ी चीज बताऊँ कि गुरुद्वारे से ना इस टाइम पे ना बड़ी सही वाली खुशबू आ रही है। लगता है गुरुद्वारे के अंदर ना कड़ा प्रसाद बन रहा है, सो उसी की ना खुशबू पूरे एरिया के अंदर फैली हुई है। कड़ा प्रसाद यार वही होता है जिसको आप लोग कई लोग हलवा कहते हो ना, जो गुरुद्वारे का हलवा होता है हम लोग उसको कड़ा प्रसाद कहते हैं। तो बड़ी मस्त वाली खुशबू आ रही है, बड़ी मस्त वाली खुशबू आ रही है और मुँह में ना पानी आ रहा है कि यार मिल जाए खाने को, बट अभी मिलेगा नहीं क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ गुरुद्वारा साहब का ना, जब कीर्तन होगा ना उस टाइम पे मिलेगा। अरे भाई पीछे हो जा, बहुत भारी है, बहुत भारी है, तू पीछे हो जा। बहुत भारी बाइक है भाई, बहुत भारी बाइक है। पीछे हो जा भाई, पीछे हो जा। के पास वाले पार्क में ना मैं शाम के टाइम कभी कभी थोड़ी बहुत रनिंग वगैरह करने के लिए आ जाता हूँ, बिकॉज मैं बाहर का बहुत ज़्यादा अटरम बटरम गंद मंद खाता हूँ ना, तो अगर एक्सरसाइज वगैरह अगर मैं अपने स्केड्यूल में ऐड नहीं करूँगा ना तो बॉडी बहुत ज़्यादा वाली डी शेप हो जाएगी। और पार्क में आके ना यार इतनी प्यारी प्यारी जो बर्ड्स की आवाज़ आती है ना यार ये बड़ी सही लगती है। ऊपर से इस टाइम पे ना मौसम भी बहुत सही है, बादल बहुत सेक्सी लग रहे हैं, बहुत सेक्सी, बहुत बढ़िया लग रहे हैं, मज़ेदार वाले। देखो 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 कौन आया, कौन आया, कौन आया, कौन आया, हमारे पाजी आ गए हैं। मैंने कहा चलो यार आप भी यहीं आ जाओ मेरे साथ, थोड़ी सी कंपनी दो और रनिंग वनिंग करते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह भी कर लेते हैं। तो बंदा बेचारा आ गया, आया किसी और काम से था मेरे पास, बट इसको मैंने अपने पार्क में बुला लिया। मैंने कहा पाजी आ जाओ इकट्ठे करते हैं, थोड़ी बहुत रनिंग कर लेते हैं, थोड़ी तैयार कर लेते हैं। लॉकडाउन में बहुत खाली है पाजी। हाँ लॉकडाउन में बहुत खाली है और आज हमारा ना बेसिकली लास्ट डे है, कल से दुकानें वगैरह मार्केट वगैरह सब ओपन होने वाली हैं, तो कल से फिर ये वाला टाइम अब दोबारा नहीं आएगा। और भगवान करे टाइम कभी दोबारा आए भी ना, क्योंकि भैया परेशान हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 50 दिन हो चुके हैं घर पे बैठे बैठे, एज अ लाइक कर्फ्यू कह लो लॉकडाउन कह लो, तो काम बंद है, बट शुक्र है कि कल से दुकानें खुल रही हैं। तो भाजी बहुत परेशान कर दिया इस बार लॉकडाउन में। हाँ बहुत ज़्यादा वाला परेशान कर दिया, बट चलो कोई बात नहीं। बाकी आपको पता ही है कि गुरप्रीत पाजी का वेडिंग फोटोग्राफी एंड वेडिंग से रिलेटेड सारा काम है, तो अगर किसी को कोई काम वगैरह करवाना होना तो पाजी को कॉन्टैक्ट कर लेना, पाजी बहुत रीजनेबल में आपका बढ़िया काम कर देंगे। कर दोगे पाजी की नहीं कर दोगे? बिल्कुल पाजी, बिल्कुल करेंगे। बाकी पाजी फटाफट ना एक अपना इंस्टाग्राम आईडी वाईडी सब कुछ तैयार करने वाले हैं, बहुत बढ़िया वाली, जिस पर ये ना मस्त मस्त फोटोज वोटोज डालेंगे। ओ भाई क्या हो गया पाजी, बारिश स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की ऐसा लग रहा है ना पाजी? ओहो बारिश भी आ गई है, वाह जी वाह। तो दिन के टाइम पर तो यार बहुत गर्मी होती है आजकल, बट शाम को मौसम अच्छा हो जाता है। डेली के अंदर ना 3-4 दिनों से ऐसे चल रहा है पाजी, नहीं पाजी मौसम का समझ ही नहीं आ रहा, कभी गर्मी कभी मौसम ठंडा कभी बारिश। हाँ तो सही है भाजी, सही है, मस्त है। तो आओ भाजी फटाफट ना एक छोटी सी रनिंग वनिंग करते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं आके कुछ खाने पीने। रनिंग करके जो बर्न करना उसका पूरा भी तो करना यार, अब दोनों चीज़ें, हाँ दोनों चीज़ें देखो बैलेंस करनी चाहिए ना यार, खाना पीना और एक्सरसाइज दोनों चीज़ें बराबर चलती रहनी चाहिए, तो टेंशन नहीं लेने का, मौज लेने का और रोज लेने का। ना मिले तो खोज लेने, खोज लेने का। बारिश आ गई भाजी, जेन्युइन बारिश आ गई भाजी, तेज हो गई भाजी। हाँ
बट यहाँ पता लग नहीं रहा पाजी। और देखो लोग भागे 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 भागे। हाँ जी, बट इसके अंदर नहीं जा सकते भाजी, ये ना बंद करा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ना शाम के टाइम पे नशेड़ी नुशेड़ी आके बैठ जाते हैं, तो उस चक्कर से बंद कर दिया है। बारिश 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 बारिश। हाँ जी, बाहर तो बारिश हो रही थी, इस चक्कर से ना मैं गुरप्रीत जी को घर पे ले आया। मैंने कहा चलो आप घर चलो, घर पे ना मैंगो योगर्ट बना हुआ है, सो आप मैंगो योगर्ट ट्राई करो हमारे घर। बहुत दिनों बाद कोई आया घर पे, तो मैंने सोचा कि यार चलो मैंगो योगर्ट ट्राई कराते हैं। एक तो कल भी वहां पे इतनी बर्निंग रही जितनी और पाजी यार सब सारी चीजें बैलेंस करनी पड़ती है ना, तो उस चक्कर से मैंने कहा चलो यार अब आए हो तो मैंगो योगर्ट ट्राई करो, क्योंकि ये मैंगो योगर्ट आज ही बना, अगर ये कल बना होता ना तो कल अश्प्रीत आया था तो मैं उसको भी खिलाता भाई साहब। ये ना मेरा गर्मियों का फेवरेट वाली चीज बन चुकी है। मम्मी ना मेरी रोज ऐसी ऐसी चीजें बना देती है कि मेरे से ना कंट्रोल ही नहीं होता, और उसके बाद जब हम ऐसी चीज़ें खाएंगे तो फिर हमारे पेट अंदर कहाँ से होंगे, पेट अंदर होंगे ही नहीं, क्योंकि मम्मा बनाती है ना टेस्टी। और गुरप्रीत पाजी कैसा लगा आपको ये? पाजी अल्टीमेट बना, मजा आ गया एकदम मस्त। इस टाइम वैसे भी आम का सीजन वैसे ही चल रहा है, आम को देख के वैसी क्रेविंग होती है, ऊपर से ये ऐसी टेस्टी चीज मिलते हैं, मतलब कौन छोड़े। सही बात है, तो मेरा भी यार यही हाल है कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ डाइट पे रहूँ, ऐसे करूँ वैसे करूँ, पेट अंदर कर लूँ, बट मम्मा हमारी बाजी नहीं आती। मम्मा ऐसी ऐसी चीज़ें बनाती रहती है कि कंट्रोल ही नहीं होता और रुका ही नहीं जाता, जबान हमारी ऐसे लड़खड़ाती रहती है, बोलती रहती खा ले खा ले खा ले। मैं कहता हूँ नहीं खाना नहीं खाना, करी खा ले खा ले खा ले, हार के खा ही लेता हूँ। थोड़ी बहुत ना मैं घर के लिए सब्जियाँ लेने आया हूँ और ये पनीर लेने आया हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ का भी ब्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि जब हम डेली लाइफ स्टाइल वाला ब्लॉग बना रहे हैं तो एक एक चीज़ उसके अंदर आनी चाहिए कि कितने का मैंने टमाटर लिया, कितने का मैंने गोभी ली, कितने का मैंने बैंगन लिया, कितने की मैंने भिंडी ली, कितने का मैंने जो भी कुछ लिया पनीर वनीर लिया, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर दूँगा, कर दूँ भी ना कर दूँ। एक बात बताऊँ, आप भी कहोगे झल्ला है तू, झल्ला नहीं कर रहा भाई, सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि हम बाहर आए हैं ये सामान लेने के लिए। हाँ जी भाई, तेरी दुकान यहाँ पर है, तू वहाँ घूम रहा है। अच्छा पैसे लेने गया था, खुले करा के लाया भाई, पनीर दे दे मेरे को। जो टेस्ट बिल्कुल ताजे वाले पनीर का आता है ना भाई साहब, वो नॉर्मल पनीर का आता ही नहीं, घर ले जाते हैं ना उसके बाद इसका टेस्ट बदल जाता है, बट जब हम यहाँ पर खड़े होकर खाते हैं ना तो उसका तो भैया मज़ा ही अलग होता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खाना आ गया खाना आ गया, जल्दी जल्दी आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, खाना आ गया खाना आ गया, आ जा आ जा आ जा, जल्दी से आ जल्दी से आ जल्दी से आ, जल्दी जल्दी आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ, आ जा आ जा मेरा बच्चा, आ जा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ इधर आ इधर आ। हाँ बच जी, क्या खाना है? हेलो आए आए। सो हाँ जी, टाइम ऑलमोस्ट रात के 12:30 हो चुके हैं और डॉग्स वगैरह को भी खाना वाना खिलाकर आ चुका हूँ, खुद भी खाना खा लिया है, और भी आज अपनी लाइफ में जो जो कुछ हुआ हर एक चीज़ को हमने थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्ड किया और आप लोगों के साथ एक प्यारा सा व्लॉग बना के शेयर कर दिया है। और आई होप कि आपको आज वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके अपनी अटेंडेंस लगा लेना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही अपने भाई को प्यार देते रहो, कीप सपोर्टिंग कीप लविंग, थैंक यू टू ऑल एंड लव यू, गुड बाय गुड बाय गुड बाय बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी बढ़िया ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी एक चीज और बता देता हूँ कि अभी थोड़े दिन तक मेरे डेली के बेसिक ब्लॉग्स ही आने वाले हैं, कोई कंटेंट पे कोई काम नहीं करने वाले, कहीं पर कोई ट्रैवल वगैरह भी नहीं करेंगे, जो अपनी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा होगा उसी को शेयर करेंगे आपके साथ। बाय बाय। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, चाहे जिंदगी है।